हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके बिजली कनेक्शन में आपका एड्रेस गलत लिखा हुआ है तो आप अपने एड्रेस को कैसे करेक्शन करवा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर अपना डिस्कॉम इस लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, फिर पासवर्ड फिल करेंगे, फिर इस कैप्चा का आंसर ऐड करके यहाँ पर फिल करेंगे, फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक UPPCL वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है माई अकाउंट का, जिसमें से आपको यहां पर फोर्थ ऑप्शन मिलता है एड्रेस करेक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने एड्रेस करेक्शन करने के लिए पेज आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आप अपना नया या सही एड्रेस फिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर अपना हाउस नंबर फिल करेंगे, फिर आप यहां पर अपना सिटी या विलेज का नेम फिल करेंगे, फिर दोस्तों आप यहां पर अपना बिल्डिंग नेम फिल करेंगे। बिल्डिंग नेम में आप अपना गाँव का नाम या पोस्ट ऑफिस या ब्लॉक का नेम फिल कर सकते हैं। फिर आप यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, फिर आप यहां पर अपना एरिया नेम फिल कर देंगे। एरिया नेम में भी दोस्तों आप अपने गांव, डाकघर या तहसील, ब्लॉक, आप यहां पर किसी का भी नेम फिल कर सकते हैं। फिर आप यहां पर दोस्तों पिन कोड फिल करेंगे, फिर आप यहां पर रीजन फॉर चेंज यहां पर बताएंगे कि आप एड्रेस क्यों करेक्शन कर रहे हैं, तो आप यहां पर रीजन फिल कर देंगे, जो भी आपका रीजन होगा। अगर आपका एड्रेस पहले से ही गलत लिखा है तो आप यहां पर लिख देंगे कि एड्रेस गलत लिखा हुआ है, या जो भी आपका रीजन होगा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर लिख देंगे। हमारे केस में दोस्तों, हमारा यहाँ पर एड्रेस पहले से ही गलत लिखा है तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे रॉन्ग एड्रेस। इसके बाद दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एड्रेस करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर हमें एक आईडी नंबर मिल चुका है। इसके बाद आप अपना स्टेटस देखने के लिए ऊपर अकाउंट में आएंगे और यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सामने यहाँ पर डेट्स लिखी आ जाएंगी कि आप किस स्टेट से किस स्टेट के बीच के स्टेटस देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जैसा कि आज की ही डेट सिलेक्ट है, तो इसके बाद हम नीचे देखें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी आईडी नंबर लिखी है और साथ में ही यहाँ पर डेटा करेक्शन थ्रू WSS यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही हमारे STO ऑफिस की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर हमारा एड्रेस करेक्शन कर दिया जाएगा और उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी घर बैठे अपना एड्रेस करेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।